अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं अजीम अली आपको मेरे यूट्यूब चैनल में वेलकम करता हूं। दोस्तों आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि अगर आप जो इनके फंड हैं साफ इमदाद के उसके हकदार हैं तो आप किस तरह इससे पैसे ले सकते हैं और क्या क्या कंडीशन है, क्या क्या इसकी शराइत जवाबत हैं जिसके थ्रू आपको पैसे मिलेंगे और कब पैसे मिलेंगे, कैसे पैसे हासिल कर सकते हैं और कौन कौन से बंदे पैसे हासिल कर सकते हैं। तमाम की तमाम इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूँगा। दोस्तों इसके लिए आपको एक ऐप की ज़रूरत पड़ेगी जिसका नाम है इंसाफ इमदाद। इसको आपने अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लेना है, अदरवाइज़ इसकी जो वेबसाइट है उसके ऊपर भी जा सकते हैं और आप मैसेज भी भेज सकते हैं। मैं मैसेज भी बताता हूँ किस तरह भेजना है और इस पर कैसे फिल करना है। मैं जल्दी से इसको फिल कर लेता हूँ। तो दोस्तों ये मैंने इन्फॉर्मेशन फिल कर ली है। नाम आपने जो आईडी कार्ड के नंबर पर है वही लिखना है, आईडी कार्ड नंबर लिखना है और मोबाइल नंबर लिखना है जिसके ऊपर अगर आपका जैज कैश या इजी पैसा है वो ठीक है, अदरवाइज आप वैसे भी लिख सकते हैं अगर नहीं बनाए। और उसमें से जो शराइत बाबत पहली है वो ये है कि अगर आप हाजिर या रिटायर्ड सरकारी मुलाजम है फिर भी आपको नहीं पैसे मिलेंगे, अगर आपके नाम पर कोई ज़मीन जायदाद है फिर भी आपको पैसे नहीं मिलेंगे, और अगर किसी और फ्लाई स्कीम से अगर आप फंड ले रहे हैं फिर भी नहीं आपको मिलेंगे, और अगर आपके यूटिलिटी बिल्स जो हैं जो माहाना बेसिस पे हैं वो 10,000 से ज़्यादा ना हो, यानी कि अगर 10,000 से कम है तो फिर मिलेंगे, और किसी भी बड़ी गाड़ी के मालिक ना हो, मसलन के मजदा वगैरह को कार या और किसी बड़ी गाड़ी के मालिक ना हो, मोटरसाइकिल रिक्शा चिंगची के अलावा अगर कोई भी गाड़ी है फिर आपको पैसे नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पर टिक है जी 92,000 है। मैं इन तमाम जो शराइत जवाबत है उसको पूरा करता हूँ, यानी कि उसमें से मुझे मेरे कोई भी पूरी नहीं उतरती और मैं उसके अलावा हकदार हूँ इसका, तो और अगर मैं गलत पाया गया तो मैं ये रकम वापस करने का बंद होगा और मेरे खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की इजाज़त होगी। यह आपने टिक करके दरख्वास्त जमा कराएं पर लिखना है और यहाँ पर आप उससे पूछता है कि आप फॉर्म जमा कराना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक कर दें तो आपका फॉर्म जो है सबमिट हो जाएगा। उसके अलावा इसकी जो दरख्वास्त है उसका आपके पास एक जो रजिस्ट्रेशन नंबर है जिसका यानी कि कंट्रोल नंबर है वो आपके पास इसका आपका आईडी कार्ड नंबर ही आ जाएगा। तो मैं इसको ओके करता हूं। अब जो यहाँ पर 3 डॉट्स पर अगर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको इसकी मुकम्मल इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि आपने जो फॉर्म सबमिट की है वो इसमें आएंगे, उस नोटिफिकेशन आएंगे, नोटिफिकेशन में अगर कोई इसमें अपडेटिंग वगैरह हो रही है वो, उसके बाद हेल्प है तो हेल्प में आपको कुछ इंफॉर्मेशन मैं बता दूँगी। जो 8070 पर आपने मैसेज करना है, CNIC इमदाद लिख के आगे अपना CIC मोबाइल नंबर और नाम लिखना है, जैसे कि ये लिखा हुआ है इन्होंने एग्जांपल इमदाद CNIC नंबर फ़ोन नंबर और नेम, और SMS जो है वो 1 अप्रैल से उनका रिप्लाई स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि अब रिप्लाई आ रहे हैं लोगों को और पैसे भी साथ साथ मिल रहे हैं, और ख़ानदान में से सिर्फ एक ही फ़र्द इसमें से जमा करवा सकता है, एक सारा फ़र्द नहीं करवा सकता क्योंकि बहुत सारे फ़र्द के ऊपर ज़मीन जायदाद इन उनके नाम होती है। और यहाँ पर मैसेज आप 8070 पर करेंगे तो 1.36 रुपये ये आपके काटे जाएंगे। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी जिसके थ्रू आप अपने जो फॉर्म है वो सेंड कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ हमारी ये आज की वीडियो आपको पसंद, इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।